हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडियन समर्स काफी कठोर होती है और टेम्परेचर्स इतने हाई हो जाते हैं कि हीट स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे कुछ असरदार और नेचुरल तरीकों की, जिससे आप घर पर ही हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस समर को कूल बनाते हैं। टिप नंबर एक, स्टे हाइड्रेटेड। बहुत जरूरी है दिन भर में काफी पानी पीना, क्योंकि डिहाइड्रेशन से हीट स्ट्रोक होने का खतरा होता है। जहां भी जाओ अपने साथ एक वाटर बॉटल जरूर कैरी करो। अगर बाहर लंबा समय बिता रहे हो तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस या नारियल पानी पियो, जो पसीने के जरिए खोए हुई सॉल्ट्स और मिनरल्स को रिप्लेस करते हैं। टिप नंबर दो, ड्रेस एप्रोप्रिएटली। हल्की रंग की, ढीली और ब्रीदेबल कपड़े पहनो। कॉटन या लिनन अच्छे विकल्प है, क्योंकि ये शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं पसीना सोख के और हवा सर्कुलेट करके। सिंथेटिक फैब्रिक्स जो गर्मी को ट्रैप करते हैं, उनसे बचो। टिप नंबर तीन, कूलिंग बाथ्स। अपने आप को बार बार ठंडा करना शरीर को ओवरहीट होने से बचाता है। अगर बार बार शावर लेना संभव नहीं है तो ठंडे पानी से भीगे टॉवल से अपनी स्किन पर दबाओ, या अपने पैरों को ठंडे पानी के बकेट में डुबोकर जल्दी से बॉडी टेम्परेचर घटाओ। टिप नंबर चार, ईट लाइट। हैवी मील्स को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जो आपके बॉडी हीट को बढ़ा सकती है। छोटी और बार बार खाने पे ध्यान दो। दही, सलाद्स और फल आपको हल्का रखते हैं और इनमें पानी भी भरपूर होता है। टिप नंबर फाइव, यूज कूलिंग पैक्स। कुछ पानी की बॉटल्स भर के फ्रीजर में रख दो, अपने शरीर पर घुमाओ या अपने कमर, आर्मपिट्स और नेक जैसे एरियाज में रखो जहां ब्लड वेसल्स सरफेस के पास होती है। ये आपके ब्लड और बॉडी को जल्दी ठंडा करेगी। टिप नंबर सिक्स, लिमिट सन एक्सपोजर। सूरज का प्रभाव सुबह 10 से शाम 4 बजे तक सबसे ज्यादा होता है। अपना दिन प्लान करो ताकि इन घंटों में आप अंदर रहे, या कम से कम अगर बाहर हो तो छांव में रहे। एक चौड़े किनारे वाली टोपी और सनग्लासेस भी सीधे सूरज की रोशनी से बचाव करते हैं। टिप नंबर 7, इंक्रीज इंडोर एयरफ्लो। घर पर अपने फैंस को ऐसे पोजीशन में रखो कि वो गर्म हवा को बाहर निकाले और ठंडी हवा अंदर लाए। अगर एयर कंडीशनिंग नहीं है तो ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे जाओ जो एयर कंडीशन्ड है, जैसे लाइब्रेरीज या शॉपिंग सेंटर्स, खासकर दिन का सबसे गर्म समय। टिप नंबर 8, हाइड्रेटिंग फूड्स। आपकी डाइट से भी आप हाइड्रेटेड रह सकते हैं। अपनी डाइट में खूब सारे फल और सब्जियां शामिल करो, जैसे कि खीरा, सलाद, तरबूज और संतरे। ये सिग्निफिकेंट मात्रा में पानी कंटेन करते हैं और आपके हाइड्रेशन लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करते हैं। टिप नंबर 9, हर्बल टीज। हर्बल टीज जैसे पेपरमिंट आपके शरीर को अंदर से ठंडा करने में मदद करते हैं, लेकिन याद रखो, इन्हें ठंडा या हल्का गर्म पियो, गरम नहीं। ये रिफ्रेशिंग होते हैं और नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टीज के साथ आपके शरीर को सूथ करते हैं। टिप नंबर 10, एडजस्ट योर एक्सरसाइज रूटीन। पीक हीट टाइम्स में विगरस एक्टिविटीज से बचो। अपने वर्कआउट्स को सुबह जल्दी या शाम को स्केड्यूल करो जब थोड़ा ठंडा होता है। योगा या स्विमिंग जैसे कम इंटेंस एक्सरसाइजेस कंसिडर करो, जो हाई टेम्परेचर्स में शरीर के लिए आसान होते हैं। टिप नंबर 11, यूज वेट क्लॉथ्स। अपने सर, गर्दन या दूसरे पल्स पॉइंट्स पर गीला कपड़ा रखना एक पुराना और इफेक्टिव तरीका है बॉडी टेम्परेचर कम करने का। इस पर्पस के लिए आप ट्रेडिशनल इंडियन गमछा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये हल्का होता है और मॉइस्चर को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। टिप नंबर 12, माइंड योर मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस आपके बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेट करने की एबिलिटी को इम्पेयर कर सकती है या आपको डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ा सकती है।
हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करो ताकि आप समझ सको कि गर्मी के मौसम में आपकी मेडिकेशंस का क्या असर हो सकता है। और एक लास्ट बात, अगर आपको लगता है कि किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है तो तुरंत एक्शन लो, तुरंत मेडिकल हेल्प बुलाओ, उन्हें एक कूलर जगह पर ले जाओ और उन्हें ठंडा करने के लिए जो भी उपाय अवेलेबल हो यूज करो। ये टिप सिर्फ सुझाव नहीं है, ये जरूरी प्रैक्टिसेस है जो आपको और आपके प्यारों को इंडियन समर के खतरनाक गर्मी से बचाएंगे। इन्हें अप्लाई करो और आप ना सिर्फ कूलर फील करेंगे बल्कि हीट स्ट्रोक के खतरों से भी बचोगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और टेक केयर दोस्तों। स्टे सेफ इन द हीट एंड रिमेम्बर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर व्हेन इट कम्स टू हीट स्ट्रोक।